हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोग जितने भी एलआरसी के स्टूडेंट हैं एक बार लाइक और शेयर ठोक दीजिए और फिर हम जो है आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने पिछला वाला लेक्चर देखा होगा, आपको क्लियर बिल्कुल एकदम आपको मजा आया होगा और आपने वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अगर किसी को पीडीएफ जो है नहीं मिला है तो आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना है कि निम्बस लर्निंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसमें फ्री स्टडी मटेरियल फॉर एलआरसी के नाम से आपको एक फोल्डर दिखाई देगा और उस फोल्डर में आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा, राइट। तो उस क्लास का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं। आपको केवल पीडीएफ लेने के लिए निम्बस लर्निंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसमें जो फ्री स्टडी मटेरियल फॉर एलआरसी है उसमें जाके फोल्डर में आपको इन करना है और वहां पे आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के जितने भी मैं लेक्चर लूंगा उसमें सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि हमारे पास जो कल क्वेश्चन हमने किए हैं उसी को कंटिन्यू। तो बहुत ही क्लासिक सीरीज है, आपने एफएम पढ़ा है पहले तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है पूरा मजा आ जाएगा एकदम कि पूरा अपन ने फ्लूइड मैकेनिक्स जो पढ़ा है उसको पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस अपन कर रहे होंगे। क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसलिए कम है, कुछ बच्चों का कहना है कि आपको डिटेल में सॉल्यूशन बताना है तो मुझे डिटेल में जब सॉल्यूशन बताना होगा तो डेफिनेटली वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। इसलिए मैंने कल क्वेश्चंस कम करा पाए क्योंकि डिटेल में जब एनालिसिस होगा तो डेफिनेटली क्वेश्चंस कम रहेंगे। सागर, सुमित सागर, राम राम, दीपक कुमार वेरी गुड इवनिंग, बंटी कुमारी, बिंती कुमारी वेरी गुड इवनिंग, पूजा कुमारी वेरी गुड इवनिंग, सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत 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 वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आपने एलआरसी की वैकेंसी के बारे में सुन ही लिया होगा कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत जाने दीजिएगा, राइट। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। संजय सिंह, सभी ने लाइक और शेयर ठोक दिया होगा, अब अपन स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताइए अगर आपके पास ये क्वेश्चन है कि इन एन एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग शियर स्ट्रेस, टाइम, रेट, शियर स्ट्रेन, द वैल्यूज ऑब्टेन फॉर अ फ्लूइड, क्या आंसर होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। आवाज नहीं आ रही क्या, क्या मेरी साउंड प्रॉपर आ रही है? आशुतोष राज खुश रहो, एस राज गुड इवनिंग, ललन कुमार गुड इवनिंग, संजीत कुमार वेरी गुड इवनिंग। आप बताइए क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है, क्या मेरी जो साउंड है वो प्रॉपर है, और अगर प्रॉपर है तो आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके पास स्ट्रेन दे रखा है, स्ट्रेन का यूनिट है पर सेकेंड, स्ट्रेन का यूनिट क्या है पर सेकेंड, और जो स्ट्रेस है वो है हमारे पास किलो पास्कल में। ये आपका जो है एक एक्सपेरिमेंट जो है किया गया और उसमें ये वाली वैल्यूज आपके पास निकल के आए, तो आपको बोलता है कि आपको ये बताना है कि कौन सा फ्लूइड जो है वो सस्टेन करता है, कौन सा फ्लूइड है ये। वेरी गुड इवनिंग विकास यादव, ए आंसर होगा, बाकी सब कह रहे हैं सर ए आंसर होगा, ओके यस सर ए आंसर होगा, ओके। देखिए अगर इस क्वेश्चन को डील करें अपन तो हमारे पास जो फॉर्मूला है दिस इज पावर लॉ, दिस इज कॉल्ड द पावर लॉ, इसको हम पावर लॉ के नाम से जानते हैं। व्हाट इज द पावर लॉ, इज ए डी यू बाई डी वाई की पावर एन और प्लस का होता है बी, क्या फॉर्मूला होता है ए डी यू बाई डी वाई की पावर एन प्लस बी। अब इसमें देखिए इसमें बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान है, एक लाइन का आंसर हो जाएगा। अगर आप इसमें जीरो पे जीरो आ रहा है, देखना वैल्यू जीरो पे जीरो है, इसका मतलब स्ट्रेन को जब जीरो करते हैं तो शियर स्ट्रेस भी क्या हो जाता है जीरो हो जाता है। तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसमें देखूं तो ये वाली वैल्यू क्या है जीरो है, और इसका और अच्छा तरीका बताऊं, मैं और अच्छा तरीका बताऊं, टाउ बराबर आप इसमें ये लिख दें कि हमारे पास जो वैल्यू है दिस इज ए डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन माइनस वन इंटू डी यू अपॉन डी वाई प्लस बी, राइट। अब अपन इस क्वेश्चन को देखें तो हमको यह पता चलता है कि इसको हम बोलते हैं म्यू एपरेंट, दिस इज अ म्यू एपरेंट इज योर एपरेंट विस्कोसिटी,
राइट। तो एपरेंट विस्कोसिटी हमारे पास म्यू एपरेंट कहलाती है, एपरेंट विस्कोसिटी। तो टाउ बराबर जो फॉर्मूला बनता है, दिस इज म्यू एपरेंट इनटू में डी यू अपॉन डी वाई, और प्लस का क्या हो जाएगा, दिस इज बी। आपने जब भी पढ़ा होगा शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी बीच में जब ग्राफ खींचते हैं तो जो विस्कोसिटी होती है, दिस इज अ स्लोप ऑफ द डायग्राम, जो हमारा स्लोप होता है वो हमारा विस्कोसिटी कहलाता है। तो विस्कोसिटी म्यू एपरेंट का जो फॉर्मूला होगा, दिस फॉर्मूला बिकम्स टाउ माइनस बी अपॉन डी यू अपॉन डी वाई, दिस अ फॉर्मूला फॉर म्यू एपरेंट। अब देखिए, अगर हम यहां पे ये जीरो करते हैं, यहां पे स्ट्रेन जीरो करते हैं, तो शियर स्ट्रेस जीरो होता है। इसका मतलब ये है कि अगर इसको जीरो कर दें तो डेफिनेटली ये वाली वैल्यू जीरो आती है। इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली अपन यहां पे बी की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। तो पहला केस ये मुझे पता चला कि ये फॉर्मूला जो है वो टाउ अपॉन डी यू अपॉन क्या हो जाएगा, डी वाई। दिस वैल्यू बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि आपको स्ट्रेस लगाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही फ्लूइड पे शियर स्ट्रेस लगाएंगे ये फ्लो करना स्टार्ट करेगा, इसमें इनिशियल स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपके पास यहां पे जो वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू बिकम्स देखिए एक लाइन का आंसर आ जाएगा। आप अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो मैंने ये बताया है कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको पहले से पता है तो आप इस डायरेक्ट फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। टाउ की वैल्यू आपके पास यहां पर कितनी है, टाउ की वैल्यू है 1.4, देखना 1.4 है, 1.4 है पहला केस। और जो डी यू अपॉन डी वाई है, दिस वैल्यू बिकम्स 2, दिस वैल्यू बिकम्स 0.7, राइट। अगर मैं दूसरी वैल्यू रखता हूं, इसमें दूसरी वाली वैल्यू रखता हूं, तो हमारे पास वैल्यू आती है, दिस वैल्यू बिकम्स, दूसरी वाली वैल्यू देखिए, पहला हमने ये निकाला है, और दूसरा अगर अपन म्यू एपरेंट निकालें, दूसरा केस लगाएं अगर इसमें, तो म्यू एपरेंट इज इक्वल टू कितना आएगा, दिस म्यू एपरेंट इज इक्वल टू सर जी जो पेड बैचेस हैं उसमें ओनली रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे, नहीं उसमें लाइव क्लासेस रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास म्यू एपरेंट की वैल्यू जो है वो 0.7 हो जाएगी। अगर अपन इस वैल्यू को देखें तो ये वाली जो वैल्यू है वो अपन रख चुके हैं। अब तीन और कितना बच गया, 2.6। तो हमारे पास जो 2.6 है, अगर हम इसको तीन से डिवाइड कर दें तो आपको बस यही आंसर आ जाएगा, यहीं पे आपको बिल्कुल आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास जो है 0.8 समथिंग वैल्यू आएगी, राइट। कितना आएगा, 0.8 समथिंग वैल्यू आएगी। तो आपको यहां पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहां पे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास मुझे ये पता चल रहा है कि विस्कोसिटी की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, और विस्कोसिटी की वैल्यू अगर बढ़ रही है, पहले से वैल्यू अब ज्यादा आ रही है, तो डेफिनेटली ये फ्लूइड जो है वो नॉन न्यूटोनियन होगा, और नॉन न्यूटोनियन होगा, और ऐसा फ्लूइड होगा जो ओरिजिन से पास करेगा, विस्कोसिटी बढ़ रही होगी, यानी कि हमारा जो आंसर होगा, दिस इज अ डायलेटेंट फ्लूइड। कौन सा आंसर होगा इसका, डायलेटेंट फ्लूइड, राइट। डायलेटेंट फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसकी विस्कोसिटी बढ़ती है, और जो ग्राफ जो स्टार्ट होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी आंसर हो जाएगा। पेड क्लास कैसे होता है, डी आंसर होगा। क्या पूरा समझ में आया क्वेश्चन, अगर साथ में अगर ये वैल्यू पहले से कम आती, अगर ये वैल्यू पहले से क्या आती, कम आती, तो आंसर होता स्लो प्लास्टिक। अगर ये वैल्यू सेम का सेम आ जाता तो आंसर होता न्यूटोनियन। अगर सेम का सेम आ जाता तो आंसर होता न्यूटोनियन। अगर ये कम हो जाता तो आंसर होता सूडोप्लास्टिक। और अगर ये ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब विस्कोसिटी बढ़ रही है, दिस आंसर बिकम्स द डायलेटेंट। क्लियर पॉइंट, क्लियर पॉइंट, एनी डाउट? हां, पेड बैच में मैं रहूंगा, बिल्कुल रहूंगा। हाँ, ग्राफ में ड्रॉ करता हूं, एक मिनट बस, ग्राफ में ड्रॉ करता हूं, एकदम मस्त ग्राफ बना अपन, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अपन जो है ग्राफ बनाएंगे। तो यहां पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो डायलेटेंट फ्लूइड हो जाएगा। कौन सा फ्लूइड हो जाएगा, दिस इज डायलेटेंट फ्लूइड। एनी डाउट? ओके, व्हाट नेक्स्ट? देखिए, इसमें मैं आपको ग्राफ बनाता हूं, इसमें आपको ग्राफ से क्लियर हो जाएगा, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कि आपको टाउ बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई पावर एन, एन इज इक्वल टू 1, राइट। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में देखूं, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, तो मेरे पास जो ग्राफ है, अगर मैं उसको ग्राफ में प्लॉट करता हूं, तो देखिए बिल्कुल आसान सा ग्राफ है।
आपको यहां पे जो ग्राफ है उसको ध्यान रखना है, मैं यहां पे एक अलग से ग्राफ बना देता हूं। देखिए अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो मेरे पास ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको हम बोलते हैं डी यू अपॉन डी वाई, दिस इज अ वेलोसिटी ग्रेडियंट। इधर की तरफ वेलोसिटी ग्रेडियंट इंक्रीज कर रहा है और इधर जो है वो शेयर स्ट्रेस है जो कि इंक्रीज कर रही है, राइट। अगर मैं यहां पे देखता हूं तो मेरे पास पहला फ्लूड जो है वो आइडियल है। आइडियल फ्लूड मतलब ऐसा फ्लूड जिसकी विस्कोसिटी जीरो है, और विस्कोसिटी जीरो है तो आपने जो ग्राफ पढ़ा है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है पावर लॉ, दिस पावर लॉ इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला बिकम्स टाउ बराबर ए डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन और प्लस का कितना बी, राइट। तो हम यहां से कह सकते हैं कि अगर हमारा जो है फ्लूड जो है वो कैसा है, आइडियल है, तो डेफिनेटली उसमें शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, दिस वैल्यू बिकम्स जीरो, क्योंकि हमारा जो आइडियल फ्लूड होता है उसमें शेयर स्ट्रेस नहीं होता है क्योंकि विस्कोसिटी जीरो होती है, और उसकी केस में हम बोलते हैं कि ये हमारा आइडियल फ्लूड है, राइट। कौन सा फ्लूड है, आइडियल फ्लूड है। अगर हमारा फ्लूड जो है वो सॉलिड आइडियल सॉलिड है तो कितना भी शेयर स्ट्रेस लगा लें, लेकिन शेयर जितना आप शेयर स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे, फोर्स बढ़ाते जाएंगे, लेकिन सॉलिड जो है वो डिफॉर्म नहीं करेगा, डिफॉर्म नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो लाइन होगी, दिस इज द आइडियल सॉलिड, दिस इज द आइडियल सॉलिड, दिस इज आइडियल सॉलिड, राइट। अगर हम न्यूटोनियन फ्लूड की बात करते हैं तो फ्लूड जो होते हैं वो ऐसे फ्लूड होते हैं जिस पे जितना शियर स्ट्रेस आप लगाएंगे उतना ही आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट मिलेगा, यानी कि यहां पे n की वैल्यू 1 होगी और b की वैल्यू 0 होगी, और इस फ्लूड को हम न्यूटोनियन फ्लूड कहते हैं। कौन सा फ्लूड कहते हैं, दिस अ न्यूटोनियन फ्लूड, राइट। अगर हम इसमें विस्कोसिटी बढ़ा रहे हैं, अगर विस्कोसिटी बढ़ रही है तो यहां n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी और b की वैल्यू 0 होगी, यानी कि b 0 मतलब क्या है, ऐसा फ्लूड जिसको फ्लो कराने के लिए इनिशियल स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम यहां पे कहते हैं b इज इक्वल टू 0 और n इज ग्रेटर देन 1, दिस इज कॉल्ड द डायलेटेंट फ्लूड, दिस इज कॉल्ड द डायलेटेंट फ्लूड, राइट। इसको हम बोलते हैं डायलेटेंट फ्लूड। अगर हमारा फ्लूड जो है जिसकी विस्कोसिटी जो है वो घट रही है तो हम उसे कहते हैं कि n की वैल्यू लेस देन 1 है और b की वैल्यू 0 है, तो ऐसे फ्लूड को हम बोलते हैं सूडोप्लास्टिक फ्लूड, दिस इज सूडोप्लास्टिक फ्लूड, राइट। क्या बोलते हैं इसको, सूडोप्लास्टिक। जो अभी पिछला वाला क्वेश्चन किया था हमने उसमें देखिए स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है मतलब विस्कोसिटी बढ़ रही है, स्लोप जो है वो विस्कोसिटी शो, क्योंकि tan theta is equal to mu apparent आता है, tan inverse mu apparent, तो आपने ये formula पढ़ा होगा, तो यहाँ से हम value को find कर सकते हैं, right? तो यहाँ से हमारे पास, अब हम next point की बात करते हैं, तो अगर n की value हम 1 कर दें और b की value हम 0 ना करें, तो इसको हम बोलते हैं Bingham plastic fluid, this is Bingham plastic fluid, प्लास्टिक या आइडियल प्लास्टिक कह सकते हैं, राइट। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें तो हमारा पास जो फ्लूड होता है जिसकी विस्कोसिटी बढ़ती है उसको हम बोलते हैं n इज ग्रेटर देन 1 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड द रियोपेक्टिक फ्लूड, दिस इज कॉल्ड द रियोपेक्टिक फ्लूड, राइट। और अगर हम ऐसे फ्लूड की बात करते हैं जिसका विस्कोसिटी घटता है तो हम ये कहते हैं कि n इज लेस देन 1 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, देन इज कॉल्ड द थिक्सोट्रोपिक फ्लूड, थिक्सोट्रोपिक thixotropic fluid. This is a complete diagram of this non-Newtonian fluid and Newtonian fluid, right? तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. Theory skip कर दें. Okay, theory skip कर देते हैं. बिल्कुल कह रहे हैं. तो हम यहाँ पे theory skip कर देते हैं. देखिए n is equal to 1 है और tau is equal to, देखिए b इसमें है नहीं, तो definitely ये Newtonian fluid को show करेगा. This is Newtonian fluid. And what is n is less than 1? N is less than 1. This is the pseudoplastic fluid. ये किसको show करेगा? Pseudoplastic fluid को, right? अगर हम n is greater than 1 देखें, तो n is greater than 1, then this answer becomes, n is greater than 1, then this answer becomes the dilatant fluid. अगर हम इसका answer देखें, तो ये हमारे पास answer जाएगा dilatant fluid. और last one is, ये वाला हमारे पास जो बचा है, this is the answer becomes the, Bingham plastic fluid. Right? तो A का हो जाएगा कितना? A का हो जाएगा, कितना value हो जाएगा? हमारे पास जो value आएगा, वो आएगा 3. A का 3 आंसर होगा और A का 3 हो गया. अब हमारे पास जो है B का कितना हो जाएगा? This B is equal to 4. तो A का 3, B का 4, this answer becomes C. हाँ, C आंसर हो जाएगा. N और B क्या है? बिल्कुल. देखिए इसमें जो N है वो हमारा behavioral index होता है.
दिस इज एन इज इक्वल टू बिहेवियरल इंडेक्स है, दिस एन इज इक्वल टू बिहेवियरल इंडेक्स, बिहेवियरल इंडेक्स, और जो बी है वो आपका यील्ड स्ट्रेस है, मतलब किसी फ्लूड को फ्लो कराने के लिए इनिशियल स्ट्रेस कितना चाहिए, दिस इज कॉल्ड द यील्ड स्ट्रेस, और यील्ड स्ट्रेस कह सकते हैं या थ्रेशहोल्ड स्ट्रेस कह सकते हैं, दिस थ्रेशहोल्ड स्ट्रेस, राइट। तो थ्रेशहोल्ड स्ट्रेस सभी ने एक बार लाइक और शेयर कर दिया होगा, सभी को पीडीएफ आपको निम्बस लर्निंग के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उस डाउनलोड करने के बाद आपको एलआरसी के लिए आपको वहां पे एक फोल्डर दिखेगा, फ्री स्टडी मटेरियल है आपको एलआरसी के लिए मिलेगा और वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसमें डायग्राम भी क्लियर होगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, राइट। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विस्कोसिटी सरफेस टेंशन कैपिलरिटी एंड वेपर प्रेशर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फ्लो ऑफ जेट इन द ऑयल इन एन अनब्रोकन स्ट्रीम। अगर हम किसी पानी को किसी पाइप से बाहर निकाल रहे हैं तो पानी एक साथ बाहर गिरता है, और जब पानी बाहर गिरता है तो वो ब्रोकन स्ट्रीम नहीं है, अनब्रोकन स्ट्रीम है। कैसा है? अनब्रोकन स्ट्रीम मतलब बिना टूटा हुआ एक साथ पानी गिर रहा है। ये किस किस प्रॉपर्टी के कारण हो रहा है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, कैपिलरिटी है, या वेपर प्रेशर है, इनमें से आपको आंसर बताना है कि कौन सा आंसर इज करेक्ट। तो यहां पे हम कौन सा आंसर करेक्ट करेंगे, यहां पे हमारे पास जो आंसर होगा दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, तो विस्कोसिटी इज करेक्ट, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी एंड वेपर प्रेशर, इस वक्त करेक्ट आंसर इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से वो जो हमारा जेट बनता है वो वाटर जेट केवल सरफेस टेंशन की वजह से बनता है, क्योंकि आपका जो वाटर है वो एयर के कॉन्टैक्ट में आता है, और एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो डेफिनेटली अपने पास वहां पे जो जो हमारे पास जो अनब्रोकन स्ट्रीम बनेगा वो उसमें डेफिनेटली प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, अंदर प्रेशर ज्यादा होगा और बाहर का प्रेशर चेंज हो जाएगा, उसकी वजह से वो अनब्रोकन स्ट्रीम बनती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, दिस ओनली ओनली इज टू, ओनली इज टू, विस्कोसिटी का कोई रोल प्ले नहीं है, कैपिलरिटी का भी नहीं, वेपर प्रेशर का भी नहीं, केवल हमारे पास जो है टू होता है, राइट। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा टू, क्लियर है विवेक कुमार? हाँ, बी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मैच द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट टू लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। आइडियल फ्लूड क्या होता है, आइडियल फ्लूड क्या है, आइडियल फ्लूड ऐसा फ्लूड है जिसकी विस्कोसिटी जीरो होती है, जिसकी विस्कोसिटी क्या होती है, जीरो। तो हम क्या कह सकते हैं कि आइडियल फ्लूड ऐसा फ्लूड है जिसकी विस्कोसिटी क्या है, जीरो है। लेकिन हमारे पास जो आंसर दे रखा है वो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा टू, दिस इज द आंसर बिकम्स टू। आइडियल फ्लूड की डेफिनेशन क्या है, आइडियल फ्लूड की डेफिनेशन है इनकॉम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस होगा, इनकॉम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस, और उसमें कई सारे पॉइंट मैंने लिखाए हैं, सरफेस टेंशन जीरो होगा, विस्कोसिटी जीरो होगी, रो कॉन्स्टेंट होगा मतलब डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी, बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट होगा, जो कंप्रेसिबिलिटी है वो जीरो होगी। तो कई सारे पॉइंट हमारे पास आते हैं कि जो हम आइडियल फ्लूड के बारे में पढ़ते हैं, तो यहां पर थोड़ा सा एक पॉइंट मैं लिख देता हूं कि आइडियल फ्लूड के बारे में कौन सी चीजें करेक्ट हैं। देखिए आइडियल फ्लूड जो होता है उसके लिए आपके पास जो रो होता है दिस डेंसिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है, और जो हमारा के होता है दिस इज बल्क मॉडुलस, मैं यूनिट बता देता हूं, ये के जो है बल्क मॉडुलस है, इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, और बीटा जो होता है दिस इज बीटा इज इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी, दिस बैक बिकम्स जीरो, और हमारे पास जो विस्कोसिटी होती है वो होती है जीरो, और हमारे पास जो सरफेस टेंशन होता है वो भी जीरो, और जो शियर स्ट्रेस होती है वो भी क्या होती है, जीरो होती है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने कि अगर हम विस्कोसिटी के बारे में सॉरी आइडियल फ्लूड के बारे में देखें तो ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, आइडियल फ्लूड के केस में हमारे पास आंसर हो जाएगा टू। न्यूटोनियन फ्लूड क्या होता है, ऐसा फ्लूड जिसकी विस्कोसिटी रेट ऑफ डिफॉर्मेशन पर डिपेंड ही नहीं करती है, मतलब क्या, आप न्यूटोनियन फ्लूड को ले रहे हैं और आप उसको लगातार चलाए जा रहे हैं, मतलब मैं उसको लगातार घुमाए जा रहा हूं, तो जब घुमाएंगे आप
कि विस्कोसिटी चेंज नहीं होगी, यानी कि आप जितना शेयर स्ट्रेस लगाएंगे, आपके पास जो फॉर्मूला दिया था न्यूटन साहब ने, उन्होंने क्या कहा था कि आप जितना इसको बढ़ाएंगे, जितना आप इसको बढ़ाएंगे उतना ही ये बढ़ेगा, विस्कोसिटी इंडिपेंडेंट होगी। अगर हमारा फ्लूइड न्यूटोनियन है, अगर नॉन न्यूटोनियन है तो ये वैल्यू जो है वो चेंज कर जाएगी। हम ये कहते हैं कि ये डबल होगा तो ये डबल हो जाएगा, और ये अगर तीन गुना बढ़ा दिए तीन गुना बढ़ जाएगा, विस्कोसिटी की सेहत पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन का विस्कोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा वन, राइट right? ये आंसर हो जाएगा वन। तो ये हमारे पास म्यू बाई रो जो होता है, इसको हम बोलते हैं न्यू, दिस इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, दिस इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज फाइव, राइट। तो ये फाइव हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास मरकरी इन ग्लास, ग्लास में अगर हमारे पास मरकरी है तो डेफिनेटली कैपिलरी डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन मतलब फॉल करेगा, तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास फोर। तो आंसर क्या आएगा, 2154, 2154 इज योर आंसर, 2154 is the answer becomes D. D answer was C नहीं, रोहित कुमार C नहीं, बिल्कुल नहीं, C कैसे हो जाएगा, 2136 कैसे हो जाएगा भाई, अरे राइज नहीं होगा। अगर मरकरी इन ग्लास है, मरकरी इन ग्लास है, तो ग्लास और मरकरी के बीच में जो फोर्स लगेगा वो एडहेसिव फोर्स की वैल्यू होगी कम होगी, और कोहेसिव फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो डेफिनेटली कैपिलरी फॉल करेगा, ये मैंने कल बताया था, और कोहेसन ज्यादा होगा, एडहेसन ज्यादा है तो डेफिनेटली कैपिलरी राइज करेगा। और मरकरी और ग्लास के बीच में आपको पता होगा कि कोहेसन ज्यादा होता है, इसलिए नॉन वेटिंग सरफेस होता है। कैसा होता है, नॉन वेटिंग सरफेस होता है, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी आंसर हो जाएगा, राइट। बट नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट टू द सेकंड, करेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। द कैपिलैरिटी इज ड्यू टू, व्हाट इज द कैपिलैरिटी इज फिनोमेना इज। सभी ने लाइक और शेयर कर दिया होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आज बहुत कम बच्चे आए हैं ऐसा लग रहा है मुझे, तो आप एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्त पड़ोसी अड़ोसी जो भी आपके एलआरसी की सोच रहे होंगे, सिर्फ एलआरसी के बारे में कि चलो कर लेते हैं तैयारी, तो आप निम्बस लर्निंग से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि ये आपके फ्यूचर की तैयारी को कराता है। और आपको पता होगा कि हम बहुत साल से बहुत ही अच्छे रिजल्ट के साथ अपन जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं कि स्टूडेंट के साथ जो है बिल्कुल अच्छे से हम सिलेक्शन दे सकें, और बच्चे जो है मेहनत करेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होता है, और उन्हीं के बारे में गाथाएँ गाई जाती हैं। तो यहां पे हम आंसर दे रहे हैं कि हमारे पास जो आंसर है, दिस आंसर बिकम सी। आपने कहा सर आंसर सी कैसे होगा, हाउ सी, तो कैपिलैरिटी जो होता है वो किसके कारण होता है, कैपिलैरिटी हमारे पास जो होता है वो सरफेस टेंशन के कारण होता है, मतलब हो जाएगा आंसर फोर, राइट। अब हमारे पास वेपर प्रेशर जो होता है, इसके बारे में सुनिए, वेपर प्रेशर अगर किसी पॉइंट पर लिक्विड के प्रेशर से अगर कम हो जाए तो डेफिनेटली वहां वेपर बबल्स बनते हैं, और वेपर बबल्स बनते हैं तो वो जस्ट सरफेस पे जाके कोलैप्स करते हैं, तो वहां एक कैविटी जनरेट करते हैं, और कैविटी जनरेट करेंगे तो कैविटेशन हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर का मेन कारण क्या है, कैविटेशन। तो 4-1, और फिर विस्कोसिटी जो है वो हमारे पास आता है किसमें, दिस शियर फोर्स में, तो शियर फोर्स में विस्कोसिटी आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्यों आती है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है ना वो शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई होता है, राइट। तो हमारा जो शियर फोर्स है वो उतना ही ज्यादा होगा जितनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या आंसर सी का 3 हो जाएगा। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो डेंसिटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, डेंसिटी है, क्योंकि डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है, राइट। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, 4132 इज आंसर बिकम्स, 4132 इज आंसर बिकम्स डी, डी आंसर डी होगा बच्चे, डी होगा डी बच्चे, डी होगा डी, ए नहीं होगा विकास कुमार, बहुत आंसर गलत जा रहे हैं, बहुत आंसर गलत जा रहे हैं विकास कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड। अब बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड का आपको फॉर्मूला बताना है, बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड का फॉर्मूला आपको बताना है, बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड का फॉर्मूला बताना, बताइए क्या आंसर आएगा, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला बताना है।
देखिए कल मैंने बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लिखा था, बल्क मॉडुलस जो होता है, उसकी वैल्यू जो होती है, दिस के इज इक्वल टू डीपी अपॉन माइनस डीपी बाई वी होता है, या हम इसको डीपी अपॉन डी रो बाई रो लिख सकते हैं, और इसको थोड़ा सा और इंटरप्लेंट करना चाहें तो रो ऊपर पहुंच सकते हैं, रो डीपी बाई डी रो। दिस अ फॉर्मूला फॉर दी बल्क मॉडुलस, आपको ये बल्क मॉडुलस पूछा है। अगर कंप्रेसिबिलिटी पूछता है तो जस्ट रिवर्स, और आंसर क्या हो जाएगा, रो डीपी अपॉन डी रो इज द आंसर, बिकम्स ए। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए आंसर हो जाएगा, राइट। डी कैसे हो जाएगा रोहित, सर स्मार्ट लग रहे हैं, थैंक यू कार्तिक। क्या आंसर होगा डी राइट। तो रो इंटू डीपी बाई क्या हो जाएगा, डी रो। तो यहां से हम आंसर निकाल सकते हैं, व्हाट इज द आंसर, इज आंसर बिकम्स ए। क्या क्लियर है, आसान है, हाँ बिल्कुल। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन, है सरफेस टेंशन इज टू, सरफेस टेंशन का मेन कारण क्या है, सरफेस टेंशन किसकी वजह से होता है, सरफेस टेंशन का मेन कारण क्या है वो आपको बताना है, कि सरफेस टेंशन का मेन कारण क्या है। सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, कोहेजन एसन या दोनों, या क्या कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं सरफेस टेंशन। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन जो है वो किसकी वजह से होता है, कोहेजन। सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेजन, सरफेस टेंशन जो होता है वो कोहेजन की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, कोहेजन। और जितना ज्यादा कोहेजन होगा, उतना ही ज्यादा सरफेस टेंशन लगेगा। तो सरफेस टेंशन जो होता है वो मेन कॉज क्या है हमारे पास, सरफेस टेंशन का, कोहेजन। इसलिए कोहेजन जो है ज्यादा होता है मरकरी के केस में, तो मरकरी का जो हमारे पास सरफेस टेंशन होता है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्स वैल्यू जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास 0.48 न्यूटन पर मीटर होती है। और अगर हम वाटर के केस में देखते हैं तो दिस वाटर एयर इंटरफेस, यहां पे एयर इंटरफेस है, कौन सा एयर इंटरफेस है, वाटर एयर एंड मरकरी वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दिस बिकम्स वैल्यू बिकम्स 0.0728 या 0.073 न्यूटन पर मीटर, राइट। तो आप इस वैल्यू को देखें तो हमको ये पता चलता है कि सिग्मा ऑफ एच जी ऑफ एयर जो है वो ज्यादा है किससे, सिग्मा ऑफ वाटर ऑफ एयर से, राइट। तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम यहां पे कोहेसिव फोर्स जिसका ज्यादा होगा उसका डेफिनेटली सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगा, यानी कि हमारा जो मेन कारण है वो क्या है, कोहेजन। इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, हाँ 0.073, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि न्यूटोनियन फ्लूइड जो होते हैं उनके लिए क्या कंडीशन है, आपको ये बताना है कि आंसर क्या होगा इसका। तो आपको बताना है कि न्यूटोनियन फ्लूइड जो होते हैं वो शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन होता है, या रेट ऑफ शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, या शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, या रेट ऑफ शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, व्हाट इज द आंसर। इज सर क्वेश्चन को डिस्क्राइब करें पहले सर, फिर आंसर समझाइएगा प्लीज। ओके ठीक है, कंप्लीट लेक्चर कैसे करें, देखिए इसको कंप्लीट लेक्चर अगर एफएम का करना है तो आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, आप ऑफलाइन ज्वाइन कर रहे हैं 18 तारीख से पटना सेंटर पे स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको ऑफलाइन में ज्वाइन कर सकते हैं शाम को 3 बजे से, राइट। और अगर अपन स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन तो ऑनलाइन अपना यूट्यूब पे फिर सॉरी जो हमारा एप्लीकेशन है निम्बस लर्निंग, आप वहां पे जाके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास जो है एफएम दोनों में स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एज वेल दोनों में आप स्टार्ट कर सकते हैं। For the Newtonian fluid, is shear stress is proportional to shear strain? देखिए पहली बात सुनिए, एक होता है Newtonian fluid, Newtonian या Newton's law of viscosity लिख देता हूं मैं, right? सबसे आसान हो जाएगा, Newton's law of viscosity. देखिए जो फ्लूड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूड, और ये वैल्यू जो होती है, दिस शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन डी टी होती है। इसका मतलब दिस शियर स्ट्रेस
दिस इज कॉल्ड द शेयर स्ट्रेस एंड दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस. दिस इज रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन. दिस इज रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन. मतलब शेयर स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के. ये आपसे क्वेश्चन पूछा है. तो आपके पास अगर न्यूटोनियन फ्लूड है तो इसको क्या करेगा, वो फॉलो करेगा कि जितना आप डिफॉर्मेशन बढ़ाएंगे उतना ही शेयर स्ट्रेस आएगा, लेकिन विस्कोसिटी जो है वो कांस्टेंट वैल्यू होगी. ऐसे फ्लूड को हम न्यूटोनियन फ्लूड कहते हैं. एक होता है हुक्स लॉ जो कि हम सॉलिड में अप्लाई करते हैं. हुक्स लॉ जो होता है, देखिए दोनों में क्या अंतर है. हुक्स लॉ जो होता है वो शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है केवल स्ट्रेन, केवल स्ट्रेन. यहां आपको स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस लिखना है, दिस शेयर स्ट्रेस, और ये जो है केवल स्ट्रेन होता है, केवल स्ट्रेन, रेट नहीं होता है, रेट नहीं होता है. अब रेट क्यों नहीं है, इसका लॉजिक क्या है. तो यहां पे आप देखें, यहां पे जो फ्लूइड होता है वो लगातार डिफॉर्म होता है, कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन होता है फ्लूइड में. जब हम हल्का सा भी उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो लगातार कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म होता है, रुकता नहीं है. तो हमारे पास जब कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन होगा तो हमको ये पता ही नहीं होगा कि कितने टाइम में, कितनी जगह, कितना जो हमारे पास डिफॉर्मेशन हो रहा है वो हमारे फोर्स की वजह से कितना डिफॉर्मेशन हुआ है. तो हम क्या करते हैं उसमें रेट लगा देते हैं, टाइम लगा देते हैं कि टाइम बाउंड कर देते हैं, इतने टाइम में इतना डिफॉर्मेशन. तो हम फ्लूइड जो होता है वो लगातार डिफॉर्म करता है और कंटिन्यूअस परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड द फ्लो. तो हम कहते हैं कि फ्लूइड फ्लो करता है. और सॉलिड में अगर अपन फोर्स लगाते हैं तो शेयर स्ट्रेस होती है वो केवल शेयर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. उसमें जो डिफॉर्मेशन होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करता है, राइट. तो इसलिए हम यहां पे कहते हैं ये हुक्स लॉ है और ये हमारा कौन सा है, दिस इज रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस. देखिए रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस दिखा ना, तो ये गलत हो गया. शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन, ये भी गलत हो गया. तीसरा, शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, दिस आंसर बिकम सी. राइट. व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल इन अ हाइड्रोलिक सिलेंडर इज कंप्रेस्ड फ्रॉम ए इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 2 m³ and to 0.196 m³. The pressure of the oil changes from 40 megapascal to 80 megapascal compression. The bulk modulus of elasticity of the oil is. देखिए क्वेश्चन क्या है. एक हमारे पास जो है ऑयल है और उस ऑयल को हमने किसी सिलेंडर के अंदर भर दिया है, राइट, हाइड्रोलिक सिलेंडर के अंदर, और आप उसको प्रेस कर रहे हैं, मतलब प्रेशर बढ़ा रहे हैं. और प्रेशर बढ़ाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है प्रेशर हमेशा 3D में, 3D जो कंपोनेंट होते हैं उसमें अपन प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं. जैसे सिलेंडर में अपन ऑयल को डाल दें फिर कंप्रेस करें तो डेफिनेटली प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा. अगर अपन ने 2D प्लेन में पानी लिया, जैसे हमारे मटके में पानी लिया अपन ने मटके में, और अगर हम मटके में नहीं ऐसे सरफेस लेते हैं, 2D प्लेन है कोई, जैसे नदी का पानी है, तो नदी का जो पानी है वो 2D प्लेन है, राइट. अगर मैं उस पर प्रेशर बढ़ाऊं तो प्रेशर बढ़ेगा ही नहीं. क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो जो है कॉन्फाइंड सिलेंडर नहीं है, मतलब एक पर्टिकुलर जो है वो 3D बॉडी होनी चाहिए. तो 3D केस में हमारे पास जो है जब प्रेशर इंक्रीज कर सकता है, तो इसलिए हमने 3D में क्या लिया है, सिलेंडर. तो 40 से 80 मेगापास्कल प्रेशर इंक्रीज किया तो आपको बताना है बल्क मॉडुलस कितना होगा. तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है माइनस का dV/V, राइट. अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि आप जो है यहां पे चेंज कितना कर रहे हैं. आपके पास आंसर मेगा पास्कल में है, देखिए आंसर मेगा पास्कल में, तो आपको प्रेशर को चेंज करने की जरूरत नहीं है. अब अपन कितना चेंज कर रहे हैं, देखिए 2 m³ था, 1.96 हो गया, माइनस 1.96 में से 2 घटा देंगे, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल, राइट. तो आप इसमें से जब सॉल्व करते हैं इसको तो ये हो जाएगा 80, दिस 2 ऊपर चला जाएगा यहां, तो 80 हो गया और डिवाइड बाय ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 पॉइंट कितना बचेगा, 0.4, राइट. तो यहां से कितनी वैल्यू आएगी, कितना आंसर है, बी, बी आंसर आ रहा है, राइट, बी आंसर आ रहा है क्या, एक बार देखिए 2000 मेगापास्कल आ रहा है क्या, क्या बी आंसर आ रहा है सबका, क्या आंसर सबका बी है, आशुतोष राज, बी, बिल्कुल सही ना, बिल्कुल सही ना, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है. तो यहां से हम देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, ये पॉइंट हटा दें, 2 0 लगा दें, 4 से इसको कितनी बार काट दें, दिस वैल्यू बिकम्स 2000 टाइम्स,
सी आ रहा है, अरे सी वाला कौन है, अमन कुमार पंडित, अमन कुमार पंडित, हाँ 2000 आ जाएगा बिल्कुल, है ना। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तो यहां से आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, बताइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान, इससे दुनिया में आसान क्वेश्चन बना नहीं है अब तक, बताइए क्या आंसर है। सर आप मेरे हीरो हैं, लव यू डियर। विष्णु गुप्ता बी, सर आप पी के प्रसाद, थैंक यू सो मच। देखिए क्या आंसर होगा इसका, विस्कोसिटी का डायमेंशन बता रहे हैं। देखिए विस्कोसिटी का डायमेंशन बता रहे हैं, कुछ तो आईपीएल देख रहे होंगे, कहते हैं कि एलआरसी की वैकेंसी आ चुकी है, उसका पेपर आने वाला है, वो एलआरसी ड्रीम इलेवन पे घूम रहे हैं बस कि आज हम बस 11 रुपए लगा दें, 15 रुपए लगा दें और करोड़पति बन जाएंगे सुबह तक। ये थोड़ा ध्यान रखें कि अपन जो है अपने फोकस पे ध्यान नहीं हटाना है, सारे काम करने हैं लेकिन फोकस नहीं हटना है। अगर फोकस हट गया तो आपका सिलेक्शन जो साल भर में होने वाला था साल और ले जाएगा फोकस में। अगर फोकस आपका एक पर्टिकुलर जगह से हटा, देन डाइवर्ट हुआ दिमाग, और आपका दिमाग जो है डाइवर्ट करने के लिए इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, आपको बता भी होंगी कि कौन कौन आपको डाइवर्ट करता है, एक्चुअल में कौन कौन डाइवर्ट करता है। मैकेनिकल वाले वास्तव में डाइवर्ट कम होते हैं एज कंपेयर टू थोड़ा सिविल वाले ज्यादा डाइवर्ट हो सकते हैं, और यहां पर जो डाइवर्ट वाले केसेस हैं वो थोड़े से ज्यादा रहते हैं इस दुनिया में। तो यहां यह आंसर कह रहा है बी आंसर होगा, ओके बी आंसर होगा सर, बी M1L-1 T-1, this answer becomes B। कैसे? आप मेरी बात को आज के बाद नोट करेंगे कि जो हमारा न्यूटन साहब हैं, क्या है हमारे न्यूटन साहब हैं, इस न्यूटन की डायमेंशन आप याद कर लीजिए कि न्यूटन जो होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और इसकी डायमेंशन होती है MLT-2। आप इसको ध्यान रखिए। अब इसकी विस्कोसिटी की डायमेंशन बड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि इसकी यूनिट मुझे पता है न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। दिस आंसर बिकम्स MLT-2, दिस द वैल्यू ऑफ न्यूटन, एंड सेकंड इज टी, एंड व्हाट इज द मीटर स्क्वायर इज L2। देन एम हमारे पास 1 है, एक एल कट गया है तो एल की पावर -1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तब, और एक प्लस में एक माइनस में, तो T-1 हो जाएगा, राइट। तो इससे बड़ा आसानी से हम जो है वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूटन जो होता है इसकी वैल्यू हमारे पास जो है एक न्यूटन की MLT-2 होती है, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारी यूनिट होती है उसमें न्यूटन आता है। तो न्यूटन की डायमेंशन आप याद रखेंगे, जिससे टाइम बच जाएगा, निकालने में टाइम नहीं लगेगा। नितेश कुमार थोड़ा सा कंट्रोल। आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। बताएं, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन कल बता दिया था कि पास्कल सेकंड जो है वो किसका यूनिट है, पास्कल सेकंड किसका यूनिट है। आज मैं यूनिट लिख देता हूं विस्कोसिटी की। देखिए विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, दिस इज कॉल्ड द विस्कोसिटी, सारी यूनिट लिख देता हूं इसके बारे में। दिस इज कॉल्ड द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। बहुत बार आती है यूनिट वूनिट सारी, तो मैं एक बार लिख देता हूं, आपको ये रिकॉल भी हो जाएगा थोड़ा सा। देखिए विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है, पहली यूनिट न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, दिस न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। दूसरी यूनिट पास्कल सेकेंड, दिस पास्कल सेकेंड, केवल यूनिट लिख रहा हूं मैं, यूनिट कन्वर्जन नहीं। और उसके बाद होती है किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, उसके बाद होती है ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड, उसके बाद होती है हमारे पास डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बाद होती है पॉइस, और उसके बाद होती है सेंटीपॉइस, दिस सेंटीपॉइस। ये सारी यूनिट जो है वो किसकी है? विस्कोसिटी है। और इसका डायमेंशन भी लिख देता हूं लगे हाथों, M1L-1 T-1, राइट। और अगर अपन काइनेमेटिक विस्कोसिटी बारे में जानना चाह रहे हैं तो इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दूसरी यूनिट इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, तीसरी यूनिट इसकी स्ट्रोक है, और चौथी यूनिट जो है वो सेंटी स्ट्रोक है,
सेंटी स्टोक, और सेंटी स्टोक और इसका जो डायमेंशन है वो एल टू टी माइनस वन है। क्या डायमेंशन है? एल टू टी माइनस वन, राइट। तो आंसर बिकम्स डायनेमिक विस्कोसिटी। देखिए पास्कल सेकंड जो है वो किसका यूनिट है? विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी के दूसरे नाम भी हैं, विस्कोसिटी के और भी नाम है। विस्कोसिटी का दूसरा नाम है डायनेमिक विस्कोसिटी, दूसरा तीसरा नाम है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, या विस्कोसिटी कोफिशिएंट कह सकते हैं, या विस्कोसिटी कह सकते हैं। विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, या हम कह सकते हैं विस्कोसिटी कोफिशिएंट। एक एक बंदे का कई सारा नाम हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखिए, मेरा नाम या आपका नाम सुन लेते हैं। आपका नाम जो भी है, एक्स वाई जेड जो भी है, तो आपका जो जो आपकी मदर है वो कुछ कहती है बेटा, बेटा के अलावा कुछ कहती नहीं, और आपका जो दोस्त है वो कुछ और ही कहता है, और जो आपकी मतलब वो है तो वो तो आपको पता नहीं क्या बोलती है। तो यहां पे एक ही बंदा है और एक ही बंदे के तीन चार नाम हैं। कितने नाम है? तीन चार। तो हमने कहा विस्कोसिटी को, अगर विस्कोसिटी आता है तो डायनेमिक विस्कोसिटी भी हो सकता है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट भी हो सकता है, और विस्कोसिटी भी हो सकता है, विस्कोसिटी डायनेमिक विस्कोसिटी भी हो सकता है, राइट। तो ये सारे नाम जो है विस्कोसिटी के हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। क्लियर है? विनोद कहता है क्लियर है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नंबर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर अगर हम इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए अगर हम सरफेस टेंशन को देखें, किसको देखें? सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। वाटर का सरफेस टेंशन क्या करता है? यहां पे हम कहते हैं सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन वो होता है कोहेजन की वजह से, राइट। सरफेस टेंशन किसकी वजह से होता है? कोहेजन की वजह से। हम कहते हैं टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोहेजन जो है वो हो जाता है कम, कोहेजन हो जाता है डिक्रीज, और कोहेजन अगर डिक्रीज हो गया तो डेफिनेटली सरफेस टेंशन की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर इसका रिवर्स कर दें, टेम्परेचर घटेगा कोहेजन बढ़ जाएगा, और कोहेजन बढ़ गया तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, दिस आंसर बिकम्स ए इज करेक्ट, दिस आंसर बिकम्स ए इज करेक्ट। हाँ, ए होगा, बी नहीं 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 होगा, मिट्टू बन रहा है, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, गलत है बी। डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये गलत है, गलत है। यहां इंक्रीज होना चाहिए था, यहां डिक्रीज दे रखा है, ये गलत है। हमारा आंसर क्या होगा? ओनली ए, ओनली ए, ओनली ए। और भी तरीके हैं सरफेस टेंशन को डिक्रीज करने के, कि आप जो है इसमें क्या मिला दें, आप जो है सरफेस टेंशन को कम करने के लिए आप जो है इसमें जो हमारा सर्फ आता है, या हम जिसको बोलते हैं डिटर्जेंट, अगर हम डिटर्जेंट मिला दें पानी में तो भी सरफेस टेंशन कम हो जाता है। और उसकी वजह से आप जब कपड़े साफ करते हैं, जो आपकी जीन्स है जिसको आपने महीनों से धोया नहीं है, अगर आप उसको धोना चाहते हैं, उसको साफ करना चाहते हैं, तो आप पहले पानी को गर्म करिए, पानी गर्म करने सरफेस टेंशन कम होगा, और सरफेस टेंशन कम होगा फिर आप उसमें डिटर्जेंट मिला दें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और सरफेस टेंशन और कम हो जाएगा, और आप जैसे ही उसमें जींस डालेंगे देन आपके एक एक धागे में वो वाटर का पार्टिकल उसमें एंटर करेगा, और उसकी वजह से जो कचरा है वो आपका बाहर निकल आएगा। उसकी वजह से हम कहते हैं कि डिटर्जेंट मिलाने से सरफेस टेंशन कम हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन कम हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, कि हम जो है सरफेस टेंशन को कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। ज्यादा कैसे करेंगे? आप शुगर मिला दें, तो चीनी हमारे पास जो है मिला दें पानी में, तो डेफिनेटली अपने पास सरफेस टेंशन की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि कोहेजन बढ़ जाएगा, राइट। केरोसिन मिला दें, डेफिनेटली केरोसिन मिला दें तो भी हमारे पास सरफेस टेंशन घट जाएगा। व्हाट नेक्स्ट? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइज और फॉल ऑफ हेड एच कैपिलरी ट्यूब डायमीटर डी लिक्विड सरफेस टेंशन सिग्मा स्पेसिफिक वेट इज डब्ल्यू। तो आपको बताना है कि इसमें जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फोर सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, राइट। ये पूछा है कि कैपिलरी जो होता है उसमें कितना लिक्विड राइज करेगा या फॉल करेगा, उसका फॉर्मूला क्या है। अगर इसमें थीटा नहीं है इसका मतलब ये वाटर है, ये लिक्विड क्या है? वाटर है, क्योंकि थीटा जो होता है,
थीटा की वैल्यू जीरो होती है विद क्लीन ग्लास ट्यूब और वाटर, विद क्लीन ग्लास ट्यूब, क्लीन ग्लास ट्यूब विद वाटर, ग्लास ट्यूब विद वाटर, वाटर के साथ अगर क्लीन ग्लास ट्यूब है तो आप एंगल को जीरो ले सकते हैं। कॉस जीरो इज इक्वल टू होता है वन, कॉस जीरो इज इक्वल टू कितना होता है वन, कॉस जीरो इज इक्वल टू वन, कॉस जीरो इज इक्वल टू वन, राइट। तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है, एच की वैल्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू वन, देन फोर सिग्मा अपॉन दिस रोजी इज योर डब्ल्यू, रोजी को क्या बोल सकते हैं अपन, स्पेसिफिक वेट, रोजी को क्या बोल सकते हैं अपन, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट, दिस आंसर बिकम्स बी, राइट, फोर सिग्मा अपॉन डब्ल्यू डी। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हाइड्रोलिक प्रेस ऑफ रैम 30 सेंटीमीटर डायमीटर एंड प्लंजर ऑफ 3 सेंटीमीटर डायमीटर, फाइंड द वेट ऑफ वेट लिफ्टेड बाय द हाइड्रोलिक प्रेस व्हेन द फोर्स अप्लाइड एट द प्लंजर इज 500 न्यूटन। बिल्कुल सिंपल समझिए, बिल्कुल सिंपल समझिए, हम अगर अपनी जो हमारी गाड़ी है, हमारे पास फोर व्हीलर है, उस फोर व्हीलर को लेके हम लॉन्ग ड्राइव पे निकल लिए हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते टाइम हमारा जो टायर है वो पंचर है, अब पंचर हो चुका है तो डेफिनेटली आप पीछे जो है कोई बैठा हुआ है और आप टायर को बदलने की कोशिश करेंगे तो आपको, आप खली तो है नहीं तो आप टायर को तो उठा नहीं पाएंगे, आप जो है टायर को चेंज करने के लिए आपको जैक लगाना होगा। जैक क्या करता है कि आप फोर्स कम लगाते हैं लेकिन वेट ज्यादा लिफ्ट करता है, तो हमारे पास एक साइड एरिया, ये जो है पास्कल्स लॉ पे बेस्ड होता है, किससे बेस्ड होता है, दिस इज बेस्ड ऑन दी पास्कल्स लॉ, एक साइड एरिया ज्यादा रहता है और वन साइड एरिया जो है वो क्या रहता है कम, जहां हम फोर्स लगा रहे हैं दिस एरिया इज योर लेस होता है और जिस साइड हम वेट को लिफ्ट कर रहे हैं वहां ज्यादा एरिया होता है और ये वेट जो लिफ्ट हो रहा है दैट इज कंडीशन इज डब्ल्यू और इसके अंदर जो फ्लूड हमने फिल किया है दिस इज इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूड, राइट। तो ये हमारा इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड हमने इसमें एंटर कर दिया है, ठीक है। तो ये जिस पे हम वेट को लिफ्ट करते हैं वो हमारा होता है, दिस इज कॉल्ड द रैम, दिस इज कॉल्ड द रैम एंड दिस इज कॉल्ड द प्लंजर, जिस पे फोर्स लगाते हैं वो प्लंजर और जिस पे वेट उठा रहे हैं दिस इज कॉल्ड द रैम, राइट। तो हमारा जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है कि प्लंजर का जो एरिया है वो स्मॉल ए है और रैम का जो एरिया है वो कैपिटल ए है। तो आप जब कम फोर्स कम लगाएंगे तो प्रेशर जो होगा वो जितना प्रेशर यहां से आपने डेवलप किया है वो पूरा का पूरा प्रेशर इक्वली रूप से पूरे लिक्विड में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि हमारा पास्कल लॉ ये कहता है कि आप अगर एक्सटर्नल प्रेशर, देखिए पास्कल लॉ क्या कहता है कि आपके पास एक सिरिंज है, अगर आपके पास एक सिरिंज है आप सिरिंज को देखते हैं तो सिरिंज आपके पास है, ये मान लो सिरिंज है एक, राइट। तो मैं इस पिस्टन को, इसमें अगर मैं पिस्टन को यहां पे प्रेस करता हूं, आगे से बंद कर रखा है इसको, तो जितना मैं यहां फोर्स लगाऊंगा उतना ही प्रेशर हर पॉइंट पे इंक्रीज करता चला जाएगा, जो भी प्रेशर होगा पहले उसमें जो आप लगाया है वो उसमें ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास एक्सटर्नल वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाएगी, राइट। तो ये कहता है कि जितना प्रेशर आपने यहां से दिया है उतना ही प्रेशर इस पे अप्लाई होगा टू लिफ्ट दिस वेट। तो हम कहते हैं कि जो एफ बाई स्मॉल ए है ये डब्ल्यू बाई कैपिटल ए होगा, राइट। तो यहां से स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी है, देखें रैम का जो डायमीटर है, रैम का जो डायमीटर है वो 30 सेंटीमीटर है, तो ये 30 सेंटीमीटर, दिस द डायमीटर ऑफ रैम इज कैपिटल डी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, राइट। और जो जो हमारा प्लंजर है उसका जो डायमीटर है, दिस इज प्लंजर का जो डायमीटर है वो है हमारा 3 सेंटीमीटर, दिस इज द डायमीटर इज स्मॉल डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, राइट। तो आपके पास एफ की वैल्यू, हमने प्लंजर पे जो फोर्स लगाया वो कितना है 500 न्यूटन, दिस 500 डिवाइड बाय पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, डी कितना है हमारे पास प्लंजर का कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो ये हो गया डब्ल्यू, ज्ञात करना है डब्ल्यू निकालना है, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर, कैपिटल डी स्क्वायर, व्हाट इज कैपिटल डी स्क्वायर, इज कैपिटल डी इज 30 मतलब हो गया 900,
राइट 30 का स्क्वायर। आप देखेंगे कि यहां से पाई बाय फोर कट जाएगा और 9 से ये कितनी बार कटेगा, दिस वैल्यू बिकम्स इन 100 टाइम्स। देन हम यहां से कह सकते हैं कि वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास ये 500 न्यूटन था ना, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा, दिस W इज इक्वल टू 500 × 100 × 100, राइट इतने न्यूटन। अब हमन को किलो न्यूटन में चाहिए, तो किलो न्यूटन में जब वैल्यू चेंज करेंगे तो ये 50 किलो न्यूटन हो जाएगा, राइट कितना हो जाएगा 50 किलो न्यूटन। आंसर बिकम्स सर, आशुतोष क्या हो गया भाई तेरे को यार, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई मतलब ऐसी दिक्कत है कि सर बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, समस्या बहुत ज्यादा है जीवन में, तो मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं अगर जीवन में बहुत ज्यादा समस्या है, राइट। तो 8739862426 दिस माय व्हाट्सएप नंबर, एंड दिस 8949894973963 दिस इज माय कॉलिंग नंबर, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, ऊपर वाले पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नाम तो आपने सुना ही होगा, विनय धाकरे नाम है। एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, किसी भी टाइम आप इसको कॉल कर सकते हैं, राइट। तो ये आपके पास विनय धाकरे नाम है मेरा, और इस पे आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं अगर कोई समस्या है, कोई भी किसी भी टाइप की आपको ऐसा लग रहा है बड़ी दिक्कत है जीवन में, देन आपकी समस्याएं सब सॉल्व हो जाएंगी। ओके ठीक है, तो यहां पे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, तो 50 किलोमीटर आंसर आ जाएगा, राइट 50 किलोमीटर। What next question? बताइए, आपके पास एक YouTube का क्वेश्चन है कि YouTube पर पढ़ रहे हैं अपन, YouTube का क्वेश्चन ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, अपन YouTube पर पढ़ रहे हैं और YouTube का क्वेश्चन ना हो तो ये तो बेकार बात है, फिर FM पढ़ने का फायदा क्या है? अगर अपन YouTube पर पढ़ रहे हैं और YouTube का क्वेश्चन ना हो, बताइए क्या आंसर होगा? अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास टू पाइपलाइन है, एक पाइपलाइन ये है, एक पाइपलाइन ये है, दो पाइपलाइन है, और इसका जो डिफरेंस डिफरेंट प्रेशर PA एंड PB है, इसका प्रेशर PA है और इसका प्रेशर कितना है PB है। तो कहता है कि ईच पाइप कैरिंग द लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 एंड दोनों पाइप में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो S1 है, यूट्यूब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ S2, इसमें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो S2 है, और लेवल जो है वो H1, H2 और H3 दे रखे हैं, ये H1 है, ये H2 है, और ये कितना है H3 है। इसके लिए आपको मैंने बताया था, बहुत ही आसान, बहुत ही लॉजिक आपको ध्यान रखना है, जब भी हम नीचे जाएंगे तो आपको प्रेशर को प्लस लेना होगा, और जब भी हम ऊपर जाएंगे तो आपको प्रेशर को माइनस लेना होगा, राइट। एक प्लस लेंगे और एक माइनस, कैसे समझेंगे इसको, प्लस माइनस कैसे समझेंगे? देखें, अगर हमारे पास जो है एक फोन है, राइट, और मेरे पास एक फोन है और मैं नदी के बिल्कुल एकदम बिल्कुल बहुत बेहतरीन नदी है और उसके पुल पे खड़ा हुआ हूं एकदम, और मोबाइल मेरे हाथ में, अब मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि अगर फोन नहीं आया उस बंदे का फोन नहीं आया या उसका फोन नहीं आया तो मैं अभी छलांग लगाने वाला हूं बस, और फोन आपका आया ही नहीं और आप उसमें जंप लगा गए, और जंप लगाया तो आप जब सरफेस से नीचे जा रहे थे, जब आप उस पानी के नीचे जा रहे थे तो आपको लग रहा था कि अब बचाने वाला कोई नहीं है, न फोन बचाने वाला है, न कोई बचाने वाला है, कैसे ही ऊपर आ जाऊं। अब नीचे जाएंगे तो प्रेशर की वैल्यू पानी में उस लिक्विड में बढ़ती चली जाएगी, प्लस ले रहे हैं, और जब हम ऊपर जाएंगे तो हमको लगेगा कि अब बच सकते हैं, यानी कि प्रेशर कम हो रहा होगा, यानी कि हमारा प्रेशर की वैल्यू घट रही होगी, राइट। तो हम कहते हैं कि हमारे पास अगर हम इसकी मैनोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो एक लाइन का आंसर है, वन लाइनर आंसर है। देखिए कैसे, आपको यहां पे स्पेसिफिक ग्रेविटी की टर्म में आंसर दे रखा है, तो आप स्पेसिफिक ग्रेविटी की टर्म में इक्वेशन लिखेंगे मेरे साथ, एच ए लिखेंगे सबसे पहले, एच ए, यहां से ऊपर जाएंगे यहां तक जितना ऊपर जाएंगे तो माइनस लेंगे, कैसा लेंगे माइनस, तो यहां लिखेंगे माइनस S1 H1, दिस S1
एस वन एच वन, राइट, यहां पहुंच गए। अब जितना ऊपर जाएंगे उतना ही नीचे आना पड़ेगा। इसी फ्लूड में, सेम फ्लूड में आप ऊपर जा रहे हैं, सेम फ्लूड में आप नीचे आ रहे हैं, तो एक माइनस और एक प्लस दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये वाला माइनस होगा और ये वाला प्लस होगा, तो डेफिनेटली ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। और यहां से अगर कैंसिल आउट हुआ तो यहां से जब नीचे आएगा तो क्या लेगा, प्लस, और नीचे आएगा तो प्लस लेगा। तो आप सोचिए, इस फ्लूइड में नीचे आ रहा हूं और इसी फ्लूइड में ऊपर जा रहा हूं, तो ये वाला प्रेशर जो है इस वाले प्रेशर से फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम ये डायरेक्ट यहां से उठे, यहां पहुंचे, यहां ऊपर गए नहीं, यहां जंप लगाया। जंप लगाने के बाद देखा कि यहां से नीचे जाना था उतना ही ऊपर, तो कैंसिल आउट फिर हो गया। और फिर यहां से हमने यहां जंप लगाया और फिर माइनस किया ऊपर, तो माइनस हो जाएगा दिस एस टू इंटू एच टू। अब देखिए यहां से हम यहां पहुंच चुके हैं, अब यहां से फिर ऊपर जाएंगे तो फिर माइनस, कितना माइनस, एस वन एच थ्री, और बराबर में जो भी प्रेशर बी का रहेगा, दिस इज एच बी, राइट। तो हम यहां से कह सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच ए माइनस एच बी, बराबर हो जाएगा एच ए माइनस एच बी इज इक्वल टू एस वन एच वन प्लस एस टू एच टू प्लस एस थ्री एच थ्री। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, एस वन एच वन प्लस एस टू एच टू प्लस एच थ्री एच थ्री। व्हाट इज आंसर इज एस वन एच वन एस टू एच टू प्लस एच थ्री एच थ्री। तो एच थ्री इंटू एस वन, ये जो वैल्यू है एस वन एच थ्री, राइट। तो यहां एस वन एच थ्री लिख देता हूं, राइट, एस वन एच थ्री, एस वन एच थ्री, क्लियर है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, दिस आंसर बिकम्स डी, बी आंसर होगा क्या, बी कैसे हो जाएगा, माइनस होगा ही नहीं ना। देखिए ये भी माइनस, फिर ये भी माइनस और माइनस, तीनों माइनस हो गए और तीनों प्लस हो जाएंगे। एस वन एच वन के साथ एस वन आएगा, एस टू के साथ एच टू आएगा और एस वन एच थ्री हो जाएगा। क्या करेक्ट है, क्या करेक्ट है, डी आंसर करेक्ट है क्या, क्या डी आंसर करेक्ट है, क्या डी आंसर करेक्ट है, क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं है, ओके ओके ओके। व्हाट आर आंसर इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इज, बताइए फटाफट आंसर बता दीजिए। और इसी बात पे आपको एक जो है इसका स्क्रीन नहीं लेंगे, आप निम्बस लर्निंग का यूट्यूब, निम्बस लर्निंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल फॉर एलआरसी के नाम से फोल्डर होगा, उसमें आपको एफएम के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। समझ गए पॉइंट, या बताइए आंसर। लाला बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये, ओपन टैंक कंटेन्स अ वाटर डेप्थ ऑफ 2 मीटर, देखना लाला कैसा क्वेश्चन है ये, देख कितना आसान सा क्वेश्चन है। यहां पे दो फ्लूइड हैं, एक वाटर है और एक ऑयल है, एक टैंक है, पानी जो भरा गया है वो 2 मीटर तक है, वाटर नीचे होगा क्योंकि वाटर क्या होता है, हैवी होगा, ऑयल जो है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है वो इसके ऊपर है, और कितना है, दिस हाइट इज 1 मीटर, दिस हाइट इज 1 मीटर, राइट। तो यहां से हमको पूछा है, इसको हम क्या बोलते हैं पता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जहां पे ये दोनों फ्लूइड मिलते हैं उसको हम बोलते हैं मिनिस्कस। क्या बोलते हैं इसको, मिनिस्कस, या हम बोल सकते हैं इसको इंटरफेस। दो इंटरफेस जहां पे दो फ्लूइड मिलते हैं वहां पे प्रेशर जो लगेगा वो केवल इतनी हाइट का प्रेशर लगेगा, नीचे वाटर प्रेशर नहीं लगाएगा, केवल ऑयल प्रेशर लगाएगा, राइट। तो यहां से हम पी बराबर रो जी एच लगा सकते हैं और रो जी एच में ऑयल का प्रेशर लेंगे। अगर बॉटम पे निकालना होता, यहां निकालना होता तो
आप इस प्रेशर और इस प्रेशर दोनों को जोड़ दे, लेकिन अगर अपने को केवल जहां पर इंटरफेस है वहां पर निकालना है तो डेफिनेटली आपको रो जीएच करना है, और रो की वैल्यू आपके पास 800 है क्योंकि आप 0.8 दे रखे हैं और यहां 9.8 है, और एच की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1 मीटर है, राइट। तो यहां से अपन वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, व्हाट वैल्यू इज बी, आंसर आ रहा है। हाँ, ऑनलाइन बैच में मैं ही पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पी के प्रसाद, डी आंसर आ रहा है, डी 7848। दिस 7848 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी कॉन्टिन्यूएशन में हम कल इसी एनर्जी के साथ और इसी बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं। आपको ध्यान रखना है, सारे टॉपिक का ध्यान रखना है, कल मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करता हूं और फ्लूइड स्टैटिक्स कल अपन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम काइनेमेटिक्स की तरफ मूव करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस रहेंगे आप पढ़ के आए फ्लूइड मैकेनिक्स को, और आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। थैंक यू सो मच, और कल मिलते हैं। ओके, गुड लक, ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक, और एलआरसी फोड़ के फेंक देना है, एकदम फोड़ के फेंक देना है। और आप जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं आपको डेफिनेटली उससे बहुत हेल्प मिल रहा होगा, और आप उन क्वेश्चंस को आप लगातार कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, लास्ट कल मिलते हैं। ओके, गुड लक, ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट। और इसके बाद आपका रीजनिंग का क्लास है, उसको लेना ना भूलें। आईपीएल ना देखें, थोड़े दिन आईपीएल के बारे में थोड़ा कम करें, और लाइक और शेयर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए कन्हैया सर की क्लास में। थैंक यू सो मच, लास्ट गुड लक, ख्याल रखिएगा।